नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरगोन, श्रावण मास में भगवान शिव के गले के हार नाग देवता की आराधना का पर्व। नाग पंचमी पर शहर सहित समूचे अंचल में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। नाग पंचमी पर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आया। रिमझिम बारिश के बीच हर मंदिर में भक्तों की कतारें लगी। श्रद्धालुओं ने नाग बर्मी पर दूध और पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के दामखेड़ा नागराज मंदिर, DRP लाइन स्थित पंचमुखी नाग मंदिर, सनावद रोड पर जिला अस्पताल के सामने स्थित भीलक देव मंदिर, BTI मार्ग स्थित मोठा भीलक देव, मूर्तिपुरा स्थित नागदेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से देर रात तक श्री नाग दरबारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शनार्थ लगी रही। मंदिर समितियों द्वारा नाग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई थी। शाम होते ही मंदिर रंगीन रोशनी से जगमगा उठे। दामखेड़ा में लगा मेला। शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध दामखेड़ा मंदिर में रात 12 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सुबह 5:30 बजे आरती के बाद बाबा को चोला चढ़ाया गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई, जो देर शाम तक लगी रही। यहां 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति ने खोपरा व मावा निर्मित प्रसादी श्रद्धालुओं में वितरित की। यहां लगे 1 दिवसीय मेले का भी श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। खासकर बच्चों ने झूले, चाट, खेल, खिलौने आदि का लुत्फ उठाया। संवाददाता हासम खत्री। जो भी पुलिस कर्मचारियां हैं, उनकी गाड़ियां अंदर लगा दीजिए आप। गिर जाए। नए नए लड़कों पाल रखते हैं, उनसे कराना चाहिए तो आगे तक उनकी तैयारी रहे। श्री दामखेड़ा वाले बाबा की जय हो। आज हम दामखेड़ा समिति की ओर से नगर वासियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना देते हैं, मंगल बधाई देते हैं। आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर दामखेड़ा में करीब करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस उपलक्ष्य में दामखेड़ा मंदिर और मंदिर के आसपास भव्य सजावट की जाती है और 1 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें नगर के और नगर के आसपास के क्षेत्र के सभी लोग दर्शन करने आते हैं और मेले का उत्साह बनाने आते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के करीब करीब
2500 गांव के लोग बाग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। किस तरह का उत्साह रहता है? धार्मिक आयोजन है और जनमानस में एक ये उत्साह देखा बनता है कि आए और प्रभु के दरबार में आशीर्वाद ले और आगे के भविष्य को दिशा तय करे, और बाबा का आशीर्वाद सभा सभी को लिए बना रहता है, और उसकी वजह से आज दामखेड़ा जिले में ही नहीं आसपास के अन्य जिलों में भी काफी प्रसिद्धि पा चुका है। मैं योगेश सराफ दामखेड़ा समिति की ओर से और मेरे सभी साथीगण आपको और सभी छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।